नमस्कार, स्वागत है आपका PGDT क्लासेस में। आज की जो क्लास है वो फिजिक्स की पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग अपने पहले टॉपिक को कवर करेंगे जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन। मैंने पिछली क्लास में आपको सिलेबस तो बता ही दिया था, अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर क्लिक करके उस क्लास को देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि आने वाला जो एग्जाम है पीजीटी फिजिक्स का उसमें क्या क्या पोर्शन आने वाला है फिजिक्स का। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले टाइम में आपको इसी टाइप की क्लासेस मिलती रहे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं बिना किसी देरी के अपने आज के टॉपिक को जो कि है यूनिट एंड डायमेंशन को। हम पूरी बारीकी से इस टॉपिक को समझेंगे ताकि आपके मन में जितने भी डाउट है इसको लेकर वो सारे क्लियर होते रहे, ठीक है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट पर, और यूनिट के लिए हमारा जानना जरूरी है फिजिकल क्वांटिटीज का। तो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक हम बात करते हैं एग्जाम्पल से। अगर कोई भी एक व्यक्ति है जो कि किसी एक पोजीशन में, दौड़ने की पोजीशन में है, ठीक है, और जस्ट आगे की ओर इस डायरेक्शन में किसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, ठीक है, और मैं यहां पे लिख दूं कि ये इसकी जो वेलोसिटी है, इसके इसका जो वेग है वो 21 है, तो यहां से 21 से मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि ये 21 आखिर क्या है, ठीक है। अगर मैं सीधे लिख दूं वेलोसिटी 21 है, अब 21 क्या है, मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर है, ये हमें कोई आइडिया नहीं लग रहा है। सेम एज मैं अगर बात करूं कि अगर इसने डिस्टेंस 5 ट्रेवल की है, अब 5 से भी मुझे कुछ आइडिया नहीं लगा कि इसने 5 मीटर ट्रेवल करी है या फिर किलोमीटर ट्रेवल करी है, तो इससे कोई आइडिया हमें नहीं लग रहा है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि या फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं, ओके। अब यहां पे मेजरमेंट करना है वेलोसिटी का, ठीक, तो वेलोसिटी का मेजरमेंट किसमें करेंगे, या तो मीटर पर सेकंड में करेंगे या फिर किलोमीटर पर आवर में करेंगे। डिस्टेंस का मेजरमेंट करना है तो या तो हम मीटर में करेंगे या फिर किलोमीटर में करेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है वो किसका मेजरमेंट है, लेंथ का, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की हम सबसे पहले बात करें तो यहां पर जो मेजरमेंट होता है लेंथ, मास, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ अगर आप किसी और राशि का मेजरमेंट करना चाहते हैं जिसको हम क्या बोल देते हैं, टाइम, ठीक है, तो ये सारी राशियां जो है वो क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब इनको बेसिकली दो टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, दो भागों में बांट देते हैं। एक तो हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी आती है हमारी डेराइव्ड क्वांटिटीज, डेराइव्ड, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब ये होता है जो कि अपनी मूल अवस्था में होती है, इसका मतलब जो कभी चेंज नहीं होंगी, जो कभी परिवर्तित नहीं होंगी, यानी कि स्वतः स्वतंत्र होती है, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती हैं, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं, मूलभूत राशियां कहते हैं। मूलभूत राशियां बेसिकली 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स की होती हैं, 7 प्रकार की होती हैं। कुछ एग्जांपल मैं यहां पे लिख रहा हूं, बाकी हम डिटेल में अभी इसको जानेंगे कि कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। तो अभी क्या क्या इसके प्रकार हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने ऊपर एग्जांपल लिखा हुआ है यहां पे, तो जैसे लेंथ, ठीक है, लेंथ एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। दूसरा मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसी के साथ में टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। फोर्थ आपका जो आप अगर किसी भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी में आती है, ठीक है, टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फिफ्थ, अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जाते हैं, उसकी करंट मेजर कर रहे हैं, तो करंट भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो यहां पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट,
इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करते हैं तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे ज्योति तीव्रता। ठीक है, कोई जैसे लाइट बल्ब जल रहा है तो उसकी उसकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी है, तो उसको मेजर करने के लिए एक हमें क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। सेवंथ, जो कि बेसिकली केमिस्ट्री में आपने ज्यादा सुना होगा, वो क्या है, किसी पदार्थ की मात्रा को अगर हमें नापना है तो उसको हम किस में नापते हैं, मोल में। तो मोल एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये सात प्रकार की फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, मूलभूत राशियां होती है, जिनको हमें जानना है, जिनको हमें पढ़ना है। अब इसके अलावा मैंने यहां पे लिखा हुआ है डेराइव्ड क्वांटिटीज। तो डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था, फंडामेंटल क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो कि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जबकि अगर हम देखें डेराइव्ड क्वांटिटीज जो होती है वो क्या होती है, इन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं द क्वांटिटीज विच आर डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटीज, या फिर हम कह सकते हैं ऐसी राशियां, ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से, उसकी सहायता से बनाई जाती है, उनको हम क्या कहते हैं, डेराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर बहुत सारी इसमें क्वांटिटीज आ सकती है, इनको मिलाकर बनाया जा सकता है। जैसे मैंने एक यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इसका एक एग्जांपल हो गया। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन भी एक क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, और एक्सीलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको मिलाकर के बनाया जाता है। ऐसे ही यहां पर एक्सेलरेशन के साथ में आप फोर्स ले सकते हैं, फोर्स भी क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। फोर्स के अलावा आप वर्क ले लीजिए, एनर्जी, ठीक है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। उसके अलावा आप बहुत सारी ऐसी राशियां हैं, टॉर्क एक क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटी है। बहुत सारी ऐसी भौतिक राशियां हो सकती है, फिजिकल क्वांटिटीज हो सकती है, जो कि क्या है, डेराइव्ड है। सेवन, इन सात प्रकार की राशियों के अलावा लगभग जितनी राशियां हैं वो सभी क्या है, डेराइव्ड है। इसमें दो सप्लीमेंट्री भी आते हैं, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं, जो कि मैं इन दोनों के बीच में यहां पे लिख देता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो कि क्या है, ना तो डेराइव्ड में आती है और ना ही फंडामेंटल में आती है। ठीक है, फंडामेंटल में भी नहीं आती और डेराइव्ड में भी नहीं आती, अलग से कुछ राशियां ली गई हैं। तो इसमें एक आता है प्लेन एंगल, और दूसरी क्वांटिटी आती है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, ये दो जो है हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, तो इनको भी हम अलग से पढ़ते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब इन जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करने के लिए किसी ना किसी एक स्टैंडर्ड यूनिट की जरूरत पड़ी। ठीक है, अभी तक क्या चल रहा था कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में इन राशियों को मेजर करने का अपना ही एक अलग नजरिया चल रहा था। कोई डंडे की सहायता से लेंथ नाप रहा है, कोई हाथ की सहायता से लेंथ नाप रहा है कि एक बिलस्त है, दो बिलस्त है, इस तरीके से मेजर कर रहा है। ठीक है, हर एक जगह अपनी अपनी अलग सिस्टम चल रहा था नापने के लिए। तब यहाँ पे एक समस्या ये खड़ी हुई कि अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, मान लीजिए कि एक जगह विशेष में कहीं पर नापने के लिए एक स्टैंडर्ड इस डस्टर को मान लिया गया, एक स्टैंडर्ड मान लिया गया कि मेरा जो एरिया है वहां पर लेंथ को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया के जितने भी लोग हैं वो तो इसको समझते हैं और उनके लिए ये इक्वल भी है सभी के लिए। लेकिन अगर दूसरी जगह हम इसी का इस्तेमाल करें तो वहां के लिए ये क्या होगा, अलग मेजरमेंट की यूनिट होगी, अलग एक डिवाइस होगी जिससे हम मेजर कर रहे हैं, तो वहां वालों के लिए ये समानता नहीं है, ये इक्वेलिटी नहीं है। तो इक्वेलिटी के लिए पूरे विश्व में एक मापतौल विभाग बनाया गया, एक मेजरमेंट एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसने ये तय किया कि हर एक भौतिक राशि को मापने के लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट होगी, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स ऑफ यूनिट की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या क्या होती हैं। तो देखो,
बेसिकली जो अरेंजमेंट किया गया, जो ये माना गया कि हर एक राशि को नापने के लिए एक पर्टिकुलर यूनिट होगी, उस हिसाब से ये माना गया कि स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है वो आपकी एसआई यूनिट होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड यूनिट भी बोलेंगे या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलेंगे। तो ऐसा यूनिट जो होती है वो हर एक जगह पर एक समान होती है। लेंथ के लिए मीटर है तो मीटर ही है, टाइम के लिए सेकंड है तो सेकंड है। ठीक है, तो हर एक फंडामेंटल क्वांटिटी की जो ऐसा यूनिट है वो डिफरेंट है। ठीक, और वो हर जगह मान्य है। इसके अलावा भी कुछ और सिस्टम चले, ऐसा ही सिस्टम हमने बोला यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा आपका जो और देशों में जिसको अपनाया गया वो क्या थे, सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तीसरा यहां पे आ जाता है आपका एफपीएस सिस्टम, और लास्ट जो है जो कि हमारे देश में काफी प्रचलित है वो क्या है, एमकेएस सिस्टम। ठीक है, अब ये जो सिस्टम मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, इन सिस्टम को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ये तो क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट है। इसके अलावा जितनी भी लिखी हुई हैं ये क्या है, आपकी मास। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले लेंथ, उसके बाद मास एंड टाइम, इन तीन चीजों को मेजर करने के लिए बनाई गई क्या है, सिस्टम है। जैसे सीजीएस में क्या हो गया, सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड। ठीक है, तो सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकेंड, तो ये सीजीएस हो गई। दूसरा एफपीएस में क्या हो गया, तो एफपीएस में हो गया फुट, ठीक है, पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड, तो वो एफपीएस सिस्टम हो गया जिसमें लेंथ को फुट में और मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, उसी के साथ मास लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में अगर मेजर किया जाए तो उसको हम बोलेंगे एमकेएस सिस्टम। तो ये आपको चार सिस्टम याद रखने हैं बेसिकली किसी भी यूनिट को बनाने के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिखने के लिए आपको ये चार सिस्टम दिमाग में रखने हैं। बेसिकली ऐसा ही सिस्टम बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि बताइए इस क्वांटिटी का, फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा ही की ऐसा ही यूनिट क्या है, तो ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि ये जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स है इनकी क्या क्या यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इनकी यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, और फिर हम उसकी डेफिनेशन की भी बात करेंगे हल्के से सामान्यता, और उसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशन पर। ओके, तो फटाफट से हम देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी यूनिट एंड उनके सिंबल की। ठीक है, तो यूनिट एंड सिंबल्स हम देख लेते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के। तो सबसे पहले यहां पे मैं लिख देता हूं फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी यहां पर आ जाएगी उसकी यूनिट, और यूनिट के साथ ही उसका यहां पर हम लिख देंगे सिंबल। तो क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, तो सबसे पहले नंबर एक पर आती है लेंथ। ओके, लेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एम। तो लेंथ की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर, एंड इसका जो सिंबल है वो क्या है, एम। इसी के साथ दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी आती है मास। मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और इसकी जो सिंबल है इसका किलोग्राम का वो है के जी। इसके साथ ही तीसरी जो यूनिट आती है फंडामेंटल यूनिट वो है टाइम, और इसकी जो ऐसा यूनिट है वो है सेकंड, और इसका जो सिंबल है वो है एस। ओके, फोर्थ जो है फंडामेंटल क्वांटिटी में जो आता है वो है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पर सीधे टेम्परेचर ही लिख देता हूँ, और टेम्परेचर जो है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है के। नेक्स्ट जो फंडामेंटल क्वांटिटी आती है वो आती है हमारी टेम्परेचर के बाद इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट
भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसकी इसकी जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है ए। इसके साथ सिक्स जो फंडामेंटल क्वांटिटी है वो आती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, पदार्थ की मात्रा, जिसका जिसकी जो यूनिट होती है वो होती है मोल, एंड इसको हम इसका जो सिंबल होता है वो होता है एम ओ एल। सेवंथ जो आती है वो आती है ल्यूमिनस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है सीडी। तो ये सात फंडामेंटल यूनिट है, उनकी यूनिट के साथ ही सिंबल, तो इनका हम यूज करते हैं बेसिकली क्या करने में, डेराइव करने में। इसी के साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट है जो कि मैं यहां पे लिख देता हूं। ओके, ये सात फंडामेंटल यूनिट्स आप याद रखेंगे, आपके काम ये जरूर आएंगे, और इसी के साथ में दो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूं। सप्लीमेंट्री यूनिट एक है हमारी प्लेन एंगल, ठीक है, प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन, और इसका जो सिंबल होता है वो होता है रेडियन, आर ए डी, ठीक है, रेडियन। उसी के साथ में जो दूसरा जो सप्लीमेंट्री यूनिट है वो है सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल भी एक यूनिट है, एक क्वांटिटी है, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसको हम लिखते हैं एस आर। ओके, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, एस आर होता है। तो ये सेवन फंडामेंटल यूनिट हो गई, दो सप्लीमेंट्री यूनिट हो गई। इसके अलावा कुछ डेराइव्ड यूनिट हैं जो कि इन्हीं की हेल्प से बनाई जाती हैं, उनको भी हम देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा कुछ हमारी डेराइव्ड यूनिट होती हैं, उन डेराइव्ड यूनिट पर भी हम फोकस करते हैं, ठीक है। डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट जो है वो डेराइव्ड जो क्वांटिटीज हैं, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो डेराइव्ड क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी उन्हीं से लिया गया। डेराइव्ड यूनिट जो होती है उन्हीं की यूनिट जो उनको मेजर करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, उसको शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। अब इसमें क्या आता है, एक्सेलरेशन में आपको तीन चार कुछ डेराइव्ड यूनिट लेकर आपको डेराइव करना सिखाऊंगा, किस तरीके से हम डेराइव कर सकते हैं और उनकी यूनिट फाइंड कर सकते हैं। तो डेराइव्ड यूनिट फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, ब्रेक इनटू फंडामेंटल यूनिट ओके, ब्रेक इनटू फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से इसको बनाया जाता है, यानी कि हम इसको फंडामेंटल यूनिट में ब्रेक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटे छोटे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे और उनके साथ उसकी डेफिनेशन भी याद रखनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको पता है क्या वेलोसिटी हम लेकर चलते हैं, वेलोसिटी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है पर यूनिट टाइम जितनी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का। ये फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटीज में हमने इसको ब्रेक कर दिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो लेंथ है एक तरीके की, तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। और टाइम की यूनिट मैंने क्या बताई थी, सेकेंड। तो ये ब्रेक कर दिया मैंने फंडामेंटल यूनिट में, मीटर एंड सेकेंड दोनों क्या है, फंडामेंटल यूनिट है। तो यहां से हमें डेराइव्ड यूनिट मिल गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये एक डेराइव्ड यूनिट है। इसी के साथ में एक्सेलरेशन देखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v माइनस u अपॉन t, ये क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी एंड टाइम इन दोनों का क्या है, रेशियो है। तो वेलोसिटी की यूनिट अभी हमने जस्ट निकाली मीटर पर सेकेंड, इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मीटर पर सेकेंड,
एंड यहाँ पे टाइम है, तो इसकी भी यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो ये कितना मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी आ गई, एक्सेलरेशन की यूनिट आ गई। इसके अलावा तीसरा मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, फोर्स, ठीक है। फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी आप जानते हैं, और फोर्स पुश एंड पुल दो नेचर का हो सकता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में इसको भी मेंशन कर रखा है। तो यहां पर फोर्स जो है उसकी अगर हम क्वांटिटी, उसकी यूनिट की बात करें, क्योंकि डेराइव्ड यूनिट में हम पढ़ रहे हैं, तो फोर्स को हम लिखते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का जो, मास के लिए जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसी के साथ में एक्सेलरेशन की जो फंडामेंटल यूनिट है वो जस्ट मैंने अभी निकाली है, वो कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फोर्स की जो यूनिट हो गई, डेराइव्ड यूनिट, वो कितनी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। आपने फोर्स की भी यूनिट निकाल ली, आपने एक्सेलरेशन की भी यूनिट निकाल ली, आपने वेलोसिटी की भी निकाल ली। इसी तरीके से आप कोई भी यूनिट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मैं अगर प्रेशर की यूनिट भी निकालूं, आप यहां से प्रेशर की यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, पर यूनिट एरिया, अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर लिख लीजिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां पर एरिया है, तो एरिया की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, मीटर से मीटर मैंने कैंसिल कर दिया, यहां पे बचा किलोग्राम सेकंड स्क्वायर मीटर, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहां पर जो मेरे को निकालना था उसकी डेफिनेशन अगर मुझे पता है, उसका फॉर्मूला अगर मुझे फाइंड पता है, तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, उसकी यूनिट फाइंड कर सकता हूं, डेराइव्ड यूनिट निकाल सकता हूं। फंडामेंटल यूनिट में आपको ब्रेक करना पड़ेगा, बस आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब इसी के साथ में ये आप नोट कर लीजिए, डेराइव्ड यूनिट आपने नोट कर लिया होगा। अब यहां पे देखते हैं, ये जो डायमेंशन है, इस डायमेंशन पे हम फटाफट से आते हैं। तो डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन भी हम यहीं पे समझ लेंगे। तो डायमेंशन निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ठीक है, डायमेंशन बेसिकली क्या होती है, इसकी डेफिनेशन हम क्या देंगे। तो डायमेंशन किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी जब हम मेजरमेंट लेते हैं, तो उसमें लेंथ का भाग कितना है, उसमें मास का भाग कितना है, उसमें टाइम का भाग कितना है, उसको बताने के लिए हम डायमेंशन का यूज करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी जो डायमेंशन होती है वो मास, लेंथ एंड टाइम की पार्ट को बताती है, उसके भाग को बताती है। तो डायमेंशन अगर हमें निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे बेसिकली, तो एम L T A K, तो यहां पर A K जो है वो मेन नहीं है, मेन आपका क्या है, M मास, लेंथ एंड टाइम। तीन फिजिकल क्वांटिटीज को यहां पे लिखा जाता है, मास, लेंथ एंड टाइम। तो मास की पावर X, L की पावर Y एंड टाइम की पावर Z, इस तरीके से बड़े ब्रैकेट में इसको इस तरीके से बंद करके लिख दिया जाता है। अब हम यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हमें वेलोसिटी है, वेलोसिटी की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे इसकी जो यूनिट है, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो मीटर में आपका क्या आ रहा है, लेंथ, लेंथ की यूनिट है मीटर, टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। तो यहाँ पर किलोग्राम तो नहीं है, तो किलोग्राम यानी कि एम के लिए हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। उसी के साथ में लेंथ लिखा हुआ है, तो लेंथ की पावर कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा। और टाइम यहाँ पर कितना है, यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ पे देखिए वन है, तो ये ऊपर जाके माइनस वन हो जाएगा, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी एम जीरो एल टी माइनस वन। एक्सेलरेशन को अगर हम देखें, तो इसकी जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन अगर हमें लिखनी है, तो यहाँ पर किलोग्राम नहीं है, तो यहाँ पे एम की पावर जीरो हो जाएगा। मीटर है, तो मीटर में यहाँ पे एल की पावर वन, और टाइम यहाँ पे टी टू दी पावर माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है अपॉन में, तो टी टू दी पावर माइनस टू। तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम जीरो एल टी माइनस टू, ठीक है, एक्सेलरेशन। इसी के साथ में फोर्स को अगर देखें, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसकी यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन भी बोलते हैं इसको। तो इसकी डायमेंशन अगर हमें नोट करनी है, तो किलोग्राम को हम एम लिखेंगे, और एम की पावर वन आ गया। लेंथ के लिए एम आता है मीटर, तो लेंथ एक है इसकी पावर, तो वन आ गया यहाँ पे। और सेकंड की पावर टू है अपॉन में, तो टी की पावर माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी डायमेंशन होगी एम एल टी माइनस टू।
एंड प्रेशर को अगर हम देखें तो प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया होता है, और इसकी यूनिट निकल के आई थी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी डायमेंशन मिलेगी मीटर और किलोग्राम यहाँ पे है तो m की पावर 1, मीटर यहाँ पर है तो लेंथ, लेंथ की पावर माइनस 1 क्योंकि ये अपॉन में है, इसकी पावर 1 है, और टाइम जो है वो इसका स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2। तो इस तरीके से हम इसकी डायमेंशन निकालते हैं। आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन निकालनी है तो आप उसको फंडामेंटल क्वांटिटीज में ब्रेक करिए, और ब्रेक करने के बाद उसकी यूनिट लिखिए, और देन उसको फंडामेंटल उसकी डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं कि आपको किस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगले लेक्चर में उस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन बता सकूं। और अगला लेक्चर जो है वो इसी के आगे हम कवर करेंगे मेजरमेंट पर, ठीक है, पूरा लेक्चर मेजरमेंट पर रहेगा। तो ये सिलेबस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और यहाँ से काफी क्वेश्चन पुटअप भी किए जाते हैं, आपको यूनिट एंड डायमेंशन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।